अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुस्सत्तार और आप देख रहे हैं एस इन्फो टीवी। दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में कई किस्म के अफराद पाए जाते हैं। कुछ नहायत अक्लमंद और होशियार होते हैं जिनकी तारीफें हम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा काम ख़राब करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने स्टूपिड होने में मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आ जाए तो एक गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. दोस्तों, ये वीडियो दरअसल उन लोगों के लिए है जो नए नए जिम में जाते हैं और उन्हें जिम करने का काफ़ी हद तक शौक़ होता है, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। नए नए शौक की वजह से जिस तरह वो जिम में जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग एक ही दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएं, तो वो वेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी हरकत इस वीडियो में दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपकी गैदरिंग में कोई ऐसा फ्रेंड है तो इसे टैग करना मत भूलिए। दोस्तों, अब ये वीडियो हाई हील्स की शौकीन लड़कियों के लिए है। दोस्तों, दरअसल ये वो लड़कियां होती हैं जिन्हें हाई हील्स का शौक़ होता है, मगर पहले कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया होता, तो फर्स्ट टाइम ही वो यूज़ करती हैं और चलना स्टार्ट करती हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है जिस तरह आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस खातून के साथ कैसा हुआ। अब आज के बाद ये खातून हाई हील्स पहनना पसंद ही नहीं करेगी। दोस्तों, अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंदा बच्चे के टॉय वाली कार में बड़े शौक से झूले ले रहा है और सफर कर रहा है, मगर इस अकलमंद बंदे को ये पता नहीं इसका वेट ये गाड़ी नहीं उठा सकती, और वही हुआ, आखिरकार ये बंदा गिर गया। दोस्तों, अब ये वीडियो दरअसल उन अकलमंद बंदों के लिए जो अपना वेट लूज करने के लिए रनिंग मशीन यूज करते हैं, मगर इन साहब का आप देख सकते हैं कि रनिंग मशीन में जाने से पहले ही वो रनिंग मशीन की स्पीड ज्यादा कर देते हैं, जिनका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे की विश की जा रही है, मगर क्या पता ये हैप्पी बर्थडे की विश इसे बहुत महंगी पड़ जाए, जिस तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो बताने के लायक ही नहीं। अब ये बंदा किसी को बर्थडे विश कभी नहीं करेगा। दोस्तों, दरअसल स्विमिंग पूल स्विम करने के लिए होता है, मगर कुछ लोग जो अपनी अजीब और गरीब हरकतों की वजह से मशहूर होना चाहते हैं वो दरअसल स्विमिंग पूल को स्लाइड समझ बैठे हैं। तो दोस्तों, जब ये बंदा स्केटिंग करता है स्विमिंग पूल के ऊपर, तो उसका अंजाम कैसा होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसे बंदों का शुमार किन पीपल्स में करना पसंद करेंगे? मेरे मुताबिक तो ये 100% स्टूपिड ही है। दोस्तों, अब ये वीडियो भी उन हाई हील्स वाली लेडीज के लिए है जो न्यू शौकीन होती हैं हाई हील्स की, मगर उन्हें चलना नहीं आता, मगर वो स्टाइल करके चलती हैं, तो उनका ये अंजाम होता है जिस तरह इस खातून का अंजाम इस वीडियो में हुआ। दोस्तों, अगर आपके गैदरिंग में भी कोई ऐसी लड़की है तो उसे टैग करना मत भूलिए। दोस्तों, अब ये बास्केट प्लेयर के उन प्लेयर्स के लिए है जो न्यू शौक की वजह से इस गेम में आते हैं और उनके साथ ऐसा अंजाम होता है। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ को सीखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये रिजल्ट सामने आएगा। दूसरों को तंग करने वाले लोग तो आपके गैदरिंग में भी होंगे और आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे, जिस तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये खातून दूसरी खातून को गिराना चाह रही है, मगर उसके रिजल्ट में वो खुद ही गिर जाती है, और अब आइंदा के बाद ये खातून ऐसी हरकत करना पसंद ही नहीं करेगी। दोस्तों, अब आप ये वीडियो देख सकते हैं कि बाहर पड़े हुए डस्टबिन जो कि फुल हो गया है उसमें जगह नहीं, मगर ये अकलमंद बंदा उसके अंदर खड़ा हो जाता है और उस कचरे को
जोर देता है ताकि उसमें जगह हो जाए, मगर उसके साथ एक अजीब ही वाकया हो जाता है क्योंकि इस डस्टबिन में यूजुअली टायर्स लगे होते हैं और वो स्लाइड हो जाती है और वो बंदा अपनी हरकतों की वजह से गिर जाता है। दोस्तों आपके मुताबिक ये बंदे सचमुच अकलमंद ही होते हैं या स्टूपिड्स होते हैं? कमेंट्स में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।